नमस्कार। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ अर्ली मैरिज इज अ ट्रैप। एंड व्हेन आई से अर्ली मैरिज, इट इंक्लूड्स स्पेशली व्हेन यू गेट मैरिड इन डेस्परेशन बिकॉज ऑफ व्हाट यू कॉल लव मैरिज, आइदर लव मैरिज और due to the pressure due to the parental pressure, and the reason could be anything, but mainly due to these two reasons. First is love marriage, and second is when you get married due to parental pressure, because you're not working, you have no ambitions regarding your career. So, as I am an astrologer, many girls come to me who are like 16-year-old, 7-year-old, and they ask, their first question is about marriage. I guess I should speak in Hindi in this video because mere paas Hindi audience bahut aati hai, matlab कंसल्टेशन के लिए जो क्वेश्चंस पूछते हैं बिहार से, यूपी से, छोटे छोटे मतलब शहरों से और हर तरह से, कि इवन मतलब हर जगह ही होते हैं ऐसे लोग, कि उनका फर्स्ट उनका जो होता है कि ड्रीम वो होता है कि लव मैरिज करना। ठीक है, तो लव मैरिज लाइक यू फॉल इन लव एंड यू आर 16, घर से भागने वाले भी हैं बहुत सारे, घर से भाग लिए। ठीक है, अभी क्या है कि रिलेशनशिप्स का एक्सपीरियंस नहीं, स्पेशली गाइज एज वेल, बॉयज़ ऐसे आते हैं जिनका अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप में क्या होता है, सब कुछ बड़ा व्हाट यू कॉल इट, बड़ा ड्रीमी लगता है ना, तो सब अच्छा लगता है। तो ठीक है, अभी तक कोई ऐसा एक्सपोजर था नहीं रिलेशनशिप का, और व्हेन यू गेट मैरिड फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो क्या होता है, व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ ट्रैप इज क्योंकि आपने शादी कर ली बहुत पहले, 20 की उम्र में, 21 की उम्र में, 22 की उम्र में, चाहे घर वाले माने नहीं माने, जैसे भी भाग के या बिना भागे घर वाले मान गए, करियर पे कोई फोकस नहीं था, करियर का टेंशन नहीं था। करियर से क्या होता है, थोड़ा डिले तो होता है एटलीस्ट, कि आप कॉलेज करोगे, एमए करोगे, मास्टर्स करोगे, तो करियर से ये फ़ायदा हो जाता है। लेकिन बट करियर जब टेंशन नहीं होती तो 12th पास करके भी जैसे शादी कर लेते, तो उससे क्या होता है कि एक्सपोजर रहा नहीं था रिलेशनशिप्स का, लोगों की साइकोलॉजी समझी नहीं थी, और शादी हो जाती है, और वो शादी जनरली नहीं चल पाती बिकॉज इमैच्योरिटी तो होती है। ठीक है, अब ये ट्रैप कब होता है, जब आपके 7th हाउस पे मार्स और मरकरी, ये इस टाइप के प्लैनेट्स हैं जो अर्ली मैरिज देते हैं। अच्छा, अर्ली मैरिज शनि भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि शनि 7th में है तो शादी बहुत लेट होगी। अगर शनि 7th में है तो शादी कब जल्दी हो जाएगी, अरे भाई जब दशा चल रही है, शनि 7th का स्वामी होके 7th में बैठा है। शादी किस दशा में होती है, शादी दशा होती है 2nd, 7th and 11th लॉर्ड की दशा में होती है। ठीक है, तो जो भी जिसका भी आप टाइमिंग करोगे शादी का, आपको 2nd लॉर्ड, 7th लॉर्ड और 11th लॉर्ड की दशा चल रही होगी। जो 7th लॉर्ड है वो ट्रांजिट कर रहा होगा, ट्रांजिट में लगन को देख रहा होगा, तो इस टाइप की चीज़ है। जुपिटर होगा, जुपिटर लगन पे से जा रहा होगा, या फिर लगन पे से नहीं जा रहा तो 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा होगा। अब वो एस्पेक्ट कैसे करेगा, अगर वो 11th से जा रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, तो भी एस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब अब ठीक है, दशा ऐसी आ गई, गोचर ऐसे आ गए, शादी के लिए फेवरेबल आ गए। ठीक है, तो शनि भी शादी जल्दी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि शनि से शादी लेट ही होगी, और मार्स जैसा प्लैनेट भी शादी जल्दी दे सकता है। अब कहते हैं लोग कि मार्स है, मैं तो मंगली को मेरी शादी तो नहीं होगी, या शादी होगी तो ये होगा वो होगा। अब जैसे किसी की शादी नहीं हो रही तो उसका तो जो भी 7th प्लैनेट है वो उसे ये लगने लगता है कि ये डिले करता है शादी, तो ऐसा नहीं है। तो हमारा क्या था टॉपिक, हमारा ये था कि अर्ली मैरिज इज़ अ ट्रैप। जब आपकी इतनी वाहियात शादी, आपको बिल्कुल मैरिटल ब्लिस आपकी किस्मत में नहीं है, तो किस्मत आपकी जल्दी भी शादी कराएगी। आप रोगे कि यार मेरा ये एक्सपोजर नहीं था, मुझे धीरे धीरे साइकोलॉजी लोगों की समझ आ रही है, ससुराल वाली ये है कौन सी
ग्रह के प्राणी लोग मैंने क्या देख लिया, क्योंकि आप बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से, कल्चरल बैकग्राउंड से, अलग अलग फैमिली से, अलग अलग सोसाइटीज़ में आपका अपब्रिंगिंग है, फिर व्हेन यू कम टुगेदर यू हैव टू लिव टुगेदर, चाहे वो लव मैरिज या अरेंज है, लव में भी आप एक दूसरे को जानते हो, बट फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट तो शादी के बाद होता है, राइट? तो अर्ली मैरिज इज़ ऑल्सो अ ट्रैप, किस्मत ख़राब। अब जब फर्स्ट मैरिज, आई वोंट से फर्स्ट मैरिज बट हाँ इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि क्या होता है कि जैसे पहले जो वीडो वाले जो योग होते थे, वीडो वाले योग, फिर मैं बोलूँगी फिर वो लोग टेंशन में आ जाते हैं जिनके चार्ट में होते हैं, लेकिन जो वो योग होते थे, अब वो क्या है कि वो सेपरेशन देते हैं, क्योंकि पहले डाइवोर्स जैसी चीज़ नहीं होती थी, तो अब होती है। अब हालांकि वीडो अभी होती हैं लेडीज़, ऐसी बात नहीं है, तो वो योग अभी भी काम करते हैं, अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं, बट और भी ऑप्शंस हैं, किस्मत को जब फूटना होता है तो और भी तरीक़ों से फूट सकती है ना, ज़रूरी थोड़े ना। तो ऐसे ये इसीलिए क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि लाइक व्हेन यू आर 16, व्हेन यू आर 17 एंड यू वांट टू गेट मैरिड सो ईगरली, बिकॉज मेरे पास ऐसे गर्ल्स भी लाइक आती हैं कि कई गर्ल्स ऐसी आती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है वाली भी आती है, ठीक है, तो इस टाइप की भी आती हैं, वो कहती हैं कि मुझसे वो ट्रीट मुझे अच्छे से नहीं करता है, बट आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई वॉन्ट हिम बैक इन माई लाइफ, ही डजंट ट्रीट मी वेल बट आई वॉन्ट हिम ओनली। तो क्या होता है कि टीनेज के वो नया नया वो अटेंशन मिला होता है, नया नया अटेंशन जब मिलता है तो इंसान गेट यू नो ऑब्सेस्ड विद इट कि यार वाओ कुछ नया, ऑफकोर्स नया एक्सपीरियंस होता है, बट वॉट दे डोंट अंडरस्टैंड इज दैट लाइफ हैज सो मैनी थिंग्स टू फॉर देम टू एक्सप्लोर, कि अभी लाइफ तो ख़त्म नहीं हुई है, तो डेस्परेशन अर्ली मैरिज का भी कारण है, डिलेड मैरिज में भी डेस्परेशन किस्मत फूटने का कारण था, तो यहाँ भी है, ठीक है। पेरेंटल प्रेशर होता है, पेरेंट्स को लगता है कि हमारे तो ये दो चार क्राइटेरिया सेट है, पैसा अच्छा हो, ये अच्छा हो, वो अच्छा हो, शक्ल अच्छी हो तो करा दो, बट इट डजंट हैपन दैट वे। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें लगता है कि वी विल डू बेस्ट फॉर आवर किड्स, बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज उनका भी माइंड लिमिटेड है, दे आर नॉट गॉड, वी कॉल देम गॉड इन द सेंस दैट वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम दैट दे हैव ब्रॉट अस अप एंड दे हैव टॉलरेटेड अस, दैट्स अ ट्रूथ, ठीक है। तो इन दिस वे वी शुड बी ग्रेटफुल एंड दे आर गॉड टू अस, बट दे आर नॉट गॉड, कि दे आर इंटेलेक्ट आर नॉट दैट हाई, कि यू नो बिकॉज वी ऑल हैव टू फेस आवर कर्मास, वी ऑल हैव आवर ओन कार्मिक अकाउंट्स विद सो मैनी पीपल एंड दैट हैज टू बी सेटल्ड, इट कैन बी इन एनी वे हैं, अगर लाइक अगर किसी से। अच्छा एक चीज़ और मैं टेक्निक इसमें बताऊँ, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में कई सारे हिंट्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं बीच बीच में, जो अभी तक टिका हुआ है उसे मिलती हैं, ठीक है। ये टेक्निक एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन बताती हूँ, कि जैसे कि आपकी शादी जिस कुंडली से, मैंने बताया लाइक कि आपके स्पाउस का नाम ना ऐसे इस लेटर से होगा, तो पता है आपके जो जो रिश्ते आएंगे उनके नाम में भी वो लेटर बड़ा प्रोमिनेंट होगा, इवन प्रोफेशन भी वही होगा। एक की तो सेम प्रोफेशन वाले बंदों के रिश्ते आ रहे थे, जिस भी बंदे के आ रहे थे उसका सेम प्रोफेशन था, जिसके उससे फाइनली मतलब शादी हुई उसका भी प्रोफेशन वही था। तो ऐसा भी होता है, हर केस में नहीं बट ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब कोई आपके पास रिश्ता आया, आपने उसे मना किया या उसने आपको मना किया, तो वो भी एक सर्टेन लेवल का कार्मिक अकाउंट वो सेटल्ड देयर की एक
था कि भाई पिछले जन्म में किसी चीज़ को हो सकता है आपने मना किया हो, इस बार उसने मना कर दिया हो, क्योंकि देखो एक अंदर से तो वो चीज़ होती है ना कि यार मुझे रिजेक्ट कर दिया। लोगों को बहुत होता है, लड़कों का तो स्पेशली, लड़कियों का तो पता नहीं मेरे पास नहीं इतना आया, बट लड़कों का तो जैसे आते कंसल्टेशन वो तो यही बोलते कि कोई भी लड़की हाँ नहीं बोलती है। अब मुझे तो उन्होंने चलो ये लाइन लिख दी, लेकिन उनके अंदर कितनी वो चीज़ फील होती होगी कि यार कोई लड़की मुझे हाँ ही नहीं बोल रही है। तो लड़कों को भी तो अंदर कितना हर्ट होता होगा, तो वो हर्ट क्यों हुआ, तो वो भी तो एक कहीं ना कहीं एक, हालांकि छोटे लेवल का कार्मिक अकाउंट सेटल हुआ है, बट स्टिल इट इज, वी कैन डिनाई इट। डेस्परेट तो होना नहीं है, वो ई दिस इज द की, ठीक है जी। तो और मैं इस में अर्ली मैरिजेस की कॉम्बिनेशन में और बताऊंगी, बट ये क्या है कि वी दिस इज नॉट इन आवर हैंड्स, क्योंकि ये भी प्रेशर में हो रही है, चाहे हमारे खुद के इमोशंस के प्रेशर में है, चाहे ये पेरेंटल प्रेशर में है, चाहे ये फैमिली के ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस सॉरी सिचुएशन ऐसी है कि लाइक फिनेंशियल, या फिर जैसे लड़कों का, एक लड़के का आया कि मेरी माँ को पता नहीं उन्हें क्या, हाँ उनके उसके बैक पेन है, काम नहीं कर पाती घर की, तो हम ढूंढ रहे हैं बहू, तो ऐसा है। तो मतलब ये भी तो एक तरह से सिचुएशनल प्रेशर है ना, कि उसे है कि यार कोई आके संभाले घर, तो इस टाइप की, तो ये एक, ये भी प्रेशर में है। ठीक है जी। इफ आई टॉक अबाउट कॉम्बिनेशंस फॉर अर्ली मैरिज, मून आई वुड से मून डिले भी दे सकता है, अगर दशा फेवरेबल नहीं है मून अर्ली भी दे सकता है डिले, फिर वही बात आ जाती है जैसे मैंने बोला, सैटर्न अर्ली भी दे सकता है। और एक टेक्निक में और बताती हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि शनि सातवें में है, तो वाइफ बड़ी होगी एज से, एज में बड़ी होगी, स्पाउस बड़ा होगा, तो ये भी एक क्लासिक में एक छोटा सा एक लाइन में लिखा है, और ये होता है कि अगर सैटर्न अपनी ही राशि में बैठा है ना, तो वाइफ बिल्कुल सिमिलर होगी, सिमिलर एज की होगी, सिमिलर एज मतलब एक साल की कम उसका डिफरेंस होगा, कुछ महीनों का डिफरेंस होगा, छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, मतलब वो फिर बड़ी नहीं कही जाएगी ना कि कुछ महीनों का है। तो अगर शनि दूसरी प्लैनेट की राशि में है तब ये चीज़ लागू होती है कि मतलब स्पाउस बड़ा होगा एज में, और शनि का मतलब ये है कि स्पाउस ओल्ड मतलब ट्रेडिशनल होगा, थोड़ा मतलब पुराने ज़माने का या ट्रेडिशनल वैल्यूज मानने वाला होगा, फॉलो करने वाला होगा, तो ये चीज़ें भी होती हैं। ठीक है जी, अब ये वीडियो लंबी हो गई है, चलो अभी से यही ख़त्म करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। डेस्परेट नहीं होना इज़ द की। ओके जी, दिस इज़ द कंक्लूजन। बाय बाय।